मैं आशा यही आशा करती हूँ आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरा वीडियो जरूर देख रहे होंगे। तो अभी ना मैं फ्री हुई हूँ बिल्कुल अपने घर का सारा काम करके, और अब तो मेरे बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं क्योंकि स्कूल ओपन हो गए हैं, काफ़ी जगह स्कूल ओपन हो गए हैं। बस थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है कोरोना के चलते हुए, क्योंकि ना अभी कोरोना फिर से मतलब काफ़ी फैल गया है। और जो क्या कहते हैं गाड़ी आती है, जो बस से जाते हैं मेरे बच्चे दोनों स्कूल, और ना अभी जो कोरोना इतना फैला हुआ है कि कहीं कहीं तो लॉकडाउन भी हो गया है। बस अभी हमारे यहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा है झांसी में, और मुंबई नागपुर काफ़ी जगह पे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया है। तो गाइस आप सब लोगों को पता होगा अभी कुंभ का मेला कितना चल रहा है, काफ़ी लोग कितना सब लोग वहाँ जा रहे हैं स्नान करने के लिए हरिद्वार में। और वहाँ हरिद्वार के पास में जो ऋषिकेश है वहाँ पर भी सब लोग काफ़ी घूम कर आते हैं क्योंकि पास में ही है इसलिए। और वहाँ पर सब लोग जाने से पहले सब सावधानी जरूर बरते, मेरा कहने का मतलब यही है कि वहाँ अगर जाएँ स्नान करने के लिए कुंभ के मेले में तो वहाँ सावधानी के साथ जाएँ, क्योंकि कोरोना भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना की वैक्सीन तो आ गई है, पर हाँ ये है कि अभी कोरोना के काफ़ी जगह काफ़ी मरीज निकल रहे हैं, जैसे कि बॉम्बे में लॉकडाउन लग गया है, काफ़ी मरीज हो रहे हैं वहाँ पर। तो आप सबसे मेरा कहने का बस यही निवेदन है कि आप सब वहाँ पर जाएँ तो प्लीज़ सावधानी के साथ जाएँ और अपनी जांच करवा लें, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें, जो 72 घंटे पहले ही बनवाना पड़ेगा आपको वही आपका मान्य होगा। 72 घंटे पहले जो आपका सर्टिफिकेट बना होगा वो मान्य होगा, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कहीं आपकी चेकिंग होती है वहाँ पर चेकिंग चल रही है, क्योंकि अभी मेरी चाची और मेरे मामा जी वहाँ गए थे शाही स्नान में जो शिवरात्रि में था, जो तो वहाँ पर उन्होंने मतलब उनकी चेकिंग हुई थी तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर गए थे जो उन्होंने 72 घंटे पहले ही बनवाया था। तो आप भी ना जब वहाँ पर जाएँ तो मेडिकल सर्टिफिकेट एक ज़रूर बनवा लें अपनी जांच रिपोर्ट के साथ बिल्कुल, और वहाँ पर जाने से पहले अपना पानी इतना पानी मतलब लेकर जाएँ कि मतलब आपको रास्ते पर कोई परेशानी ना हुए। और अंकल चिप्स वगैरह थोड़े छोटे छोटे पैकेट जो आप डाल लें, वो हो सकता है अगर कहीं रास्ते में खाना ना मिले, वैसे वहाँ पर अच्छी व्यवस्था की है खाने की, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, होटल वगैरह और धर्मशाला वगैरह काफ़ी हैं, तो वहाँ रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है। होटल में अगर आप रूम लेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, और धर्मशाला में जो आप रूम लेंगे वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो बस अगर आप वहाँ मेरा कहने का ये मतलब है अगर वहाँ पर आप जाएँ तो थोड़ी सावधानी के साथ जाएँ, क्योंकि कोरोना भी पूरी तरह से नहीं गया है, अभी भी काफ़ी मरीज निकल के आ रहे हैं सामने। आज मैं न्यूज़ पेपर पढ़ती हूँ रोज़ डेली, कहीं 2000 मरीज, कहीं 100 मरीज, कहीं कितने मरीज, तो मतलब इनकी काउंटिंग बढ़ती जा रही है, वैक्सीन के आने के बाद भी इतने मरीज बढ़ रहे हैं। तो आप कहीं भी अगर हम जाते हैं तो पूरी सावधानी के साथ जाएँ, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाएँ, और पानी की व्यवस्था कर लें, और कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रख लें। हो सकता है कहीं रास्ते में हमें कुछ ना मिले खाने के लिए, तो पहले से अपना इंतजाम करके चलते हैं अगर हम कहीं चलते हैं तो। तो बस यही थी सारी जानकारी जो आपको वहाँ हरिद्वार जाने से पहले ध्यान रखें, और अपना बैग रात में अच्छे से रेडी कर लें, पूरा सामान लगा लें उसमें क्या रखना है क्या नहीं, और सैनिटाइज़र और मास्क आप ज़रूर रख लें क्योंकि जगह जगह वहाँ चेकिंग हो रही है, सैनिटाइज़र आप अपने पास रख लीजिए और मास्क लगा कर ही जाइए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पुलिस फोर्स लगी हुई है और काफ़ी जगह जगह चेकिंग हो रही है। तो इस वजह से आप पूरी सावधानी के साथ निकलें वहाँ, पूरा बैग अच्छे से लगा के, ताकि आप कोई सामान ना भूल जाए, पहले से उसकी अच्छे से तैयारी कर लें वहाँ जाने के लिए। और हरिद्वार तो वैसे भी काफ़ी फेमस जगह है, बहुत अच्छा है, और ऋषिकेश तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और अभी जब कुंभ का मेला चल रहा है तो वहाँ मेले में सब लोग कुछ ज़्यादा ही जा रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई है, तो भीड़ से थोड़ा सा आप बचें, थोड़ी दूरी बनाकर चलें, और सैनिटाइज़र मास्क यूज करें, इससे आपकी सावधानी आपके हाथ में है। अगर आप जितनी सावधानी से चलेंगे उतना खुद के लिए बेटर है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी अभी चाची और मेरे मामा जी गए थे हरिद्वार जी शिवरात्रि पर, जब कुंभ का मेला लगा हुआ था, बहुत मतलब शाही स्नान था शिवरात्रि पर, तो वो वहाँ पर गए थे तो जगह जगह उनकी जाँचें हुई, और मास्क सैनिटाइज़र ये सब लेकर गए थे, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर गए थे सब कुछ, और काफ़ी मतलब फोर्स वगैरह लगी, काफ़ी जाँचें वगैरह चली उनकी जगह जगह। और फिर उन्होंने फिर वहाँ पे होटल में जो रूम लेके रखा है, अच्छा रूम है, मैं आपको सबको दिखाती हूँ, वहाँ के कुछ मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं जो क्या कहते हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस चलते हैं हरिद्वार कुंभ के मेले में, वहाँ क्या हो रहा है, और मेरी चाची ने और वहाँ मेरे मामा जी ने कितनी मस्ती की वहाँ पर,
तो मैं आप सबको दिखाती हूँ वहाँ पर। घर बैठे इंजॉय करिए आप हरिद्वार के कुंभ के मेले का, और मैं तो वहाँ नहीं दिखूँगी आपको क्योंकि मैं नहीं गई थी, मेरी चाची और मामा जी और मेरे चाचा जी गए थे, तो उनका ही वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आप सब लोगों के साथ में। तो आप भी देखिए और मैं भी देखती हूँ कि वहाँ उन लोगों ने कितनी मस्ती की। और हाँ, अगर मैं जाती ना तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही मस्ती होती, हद से ज़्यादा, क्योंकि हम जब सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं ना तो खूब फुल मस्ती होती है, फुल मस्त मस्ती करते हैं हम सब लोग। तो चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश केस में इन लोगों ने कितनी मस्ती की। तो गाइस, मैं सबसे पहले दिखा आपको मिलवाती हूँ अपनी चाची से। ये है मेरी चाची और ये है मेरे चाचा और चाची, दोनों हरिद्वार के कुंभ के मेले में। और ये है मेरे मामा जी, चाची और चाचा, जो हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पर खड़े हुए हैं। और ये है उनका रूम जो उन्होंने वहाँ पर लिया था लैंड रेंट पे। और ये इतना सुंदर रूम है ना, मुझे भी देख के मतलब बहुत हैरानी हो रही है कि इतना सुंदर सा रूम ओनली 1500 रुपये में कैसे मिल गया इतनी भीड़ भाड़ में। और मतलब इतनी कुंभ के मेले में काफ़ी लोग आते हैं, इतनी भीड़ भाड़ में तो मतलब काफ़ी महंगे हो जाते हैं रूम, और ये इतना सस्ता 1500 रुपये में ये रूम जो उन्हें मिला हुआ है। टीवी लगी हुई है, आपको दिख ही रहा होगा, और फ़ैन भी है साथ में, और सर्दियों का टाइम था इस वजह से कूलर नहीं था। और ये देखिए आप, टॉयलेट कितनी साफ़ सुथरी है। हम जहाँ भी जाते हैं पहले हम टॉयलेट देखते हैं कि साफ सुथरी है या नहीं है। बहुत ही प्यारा रूम जो उन्हें 1500 रुपये में यहाँ मिल गया, बहुत अच्छा रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी सफाई भी थी रूम में, और मतलब टॉयलेट भी काफ़ी अच्छी साफ़ थी, जो सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ सब पूरा क्लीन होना, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें क्लीन नहीं होती हैं तो फिर रहने में एक मतलब ज़रा सा टाइम भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक घंटा निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी अच्छा रूम था वहाँ पर जो उन लोगों को। हाँ, ये बड़े बड़े साधुओं की रथ यात्रा निकल रही है शाही स्नान के लिए, जो गंगा जी में सबसे पहले जाकर शाही स्नान करते हैं, ये उन्हीं लोगों की सबकी रथ यात्रा निकल रही है। ये महामंडली सुर निकल गए, अभी एक और आ रहा साथ। क्या हुआ बहुत आ रहे आशीर्वाद दे रहे मार रहे चॉकलेट। और ये है मेरे मामा जी जो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, और ये मतलब छुट्टी लेकर गए हैं कुंभ का मेला में शाही स्नान करने के लिए, नहीं तो कोई नहीं सोचता कि मैं गवर्नमेंट जॉब पर होने के बाद भी छुट्टी लेकर मैं कहीं स्नान करने जाऊं। पर मेरे मामा जी बहुत श्रद्धालु हैं और भगवान में भी बहुत आस्था रखते हैं, है ना, शाही स्नान के लिए इन्होंने गवर्नमेंट छुट्टी ली और यहाँ इतनी दूर गए हैं स्नान करने के लिए। और जैसा कि आप सबको दिख ही रहा होगा ये कितने अच्छे मतलब धर्मशालाएं और होटल बने हुए हैं, यहाँ भी हम सब लोग रूम ले सकते हैं, बिल्कुल गंगा जी के किनारे बने हुए हैं ये। और मैं आपको दिखाती हूँ गंगा जी, ये देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, यहाँ सब लोगों की नहाने की तैयारियाँ हो रही हैं, कोई नहा भी रहा है वहाँ पर, और ये सब मेरे मामा जी और चाचा जी नहाने का प्लान बना रहे हैं अभी कि उन्हें भी नहाना है। हर किसी की किस्मत में नहीं होता है कुंभ के मेले में स्नान करना, बहुत से तो ऐसे होते हैं जो सोचते रह जाते हैं और कभी नहीं जा पाते हैं वहाँ पर, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान खुद बुलाते हैं और वो खुद वहाँ जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, बड़े भाग्य होते हैं उनके जो वहाँ पहुँचते हैं। मेरे चाचा जी देखो ये भी गंगा जी का स्नान करने पहुंच गए हैं वहाँ पर, और अभी कुछ सोच रहे हैं कि अब मुझे भी स्नान करने जाना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि समय का कुछ पता नहीं रहता, कब क्या किसके साथ क्या हो जाए, कौन कहाँ पहुँच जाए घर बैठे हुए। तो देखिए यहाँ का एक छोटा सा व्यू जो मैं आप सबको दिखाती हूँ, और ये कोई दान दक्षिणा वाले आ गए हैं। तो जय हो, जय हो, जय हो।
गंगा जी में स्नान करने के बाद मेरी चाची आ गई है मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ कुछ ये औरतें भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो गई थीं कि वो देखिए कितना सुंदर दृश्य नृत्य कर रही हैं यहाँ पर। तो मेरी चाची भी उनके साथ में नृत्य करने लगी। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है यहाँ पर, सब लोगों को एक साथ नृत्य करते हुए भगवान की भक्ति में कितनी लीन हो गई हैं ये सब औरतें कि उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। कितना सुंदर नृत्य हो रहा है। जरूर देखें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड